आज एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यह देश को समर्पित हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में आज सायंकाल संपन्न होगा। यह हमारे लिए एक इवेंट है और इसीलिए इस स्टेडियम का नामकरण भी, क्योंकि एकोना स्पोर्ट्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार उसको संस्तुत करने के लिए अधिकृत थी, तो हम लोगों ने ये नाम दोनों के नाम पे भारत रत्न सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और इकोना स्पोर्ट्स सिटी इन दोनों को मिला करके अटल बिहारी वाजपेयी इकोना क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम किया है, इसका नामकरण किया है। ये प्रदेश की जनता को एक सौगात है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पीपीपी मोड में यहाँ पर ये स्टेडियम बना है, दिसंबर में भी देश का एक बड़ा स्टेडियम गाज़ियाबाद में उसका हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं और भी गतिविधियाँ इसके माध्यम से बढ़ेंगे। प्रदेश के स्पोर्ट्स के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनको एक अच्छा मंच मिलेगा जिसके माध्यम से लोग आगे बढ़ पाएंगे।